Students, emissions of partner, reliable series, page number 80, adjustment number 4, undervaluation, overvaluation concept. It is very difficult for the students to how to calculate the undervaluation and overvaluation. बहुत difficult होता है, बच्चे confused होते हैं. SYGC board exams हैं, तो हमने यहाँ पर calculation करा. देखिए adjustment number 4 में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 तो लूज टूल्स वेर अंडर वैल्यूड बाय 5% एंड बिल्डिंग्स वेर ओवर वैल्यूड बाय 15%. लूज टूल जो अमाउंट दिया है 38,000, कितना दिया है 38,000. लेकिन लूज टूल जो है वो एसेट्स है बिजनेस का वो एसेट्स है. तो यहाँ पर लिखेंगे लूज टूल्स में तो 38,000, ठीक है. तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितना बोल रहा है वो लूज टूल अंडर वैल्यू बाय 5%. आप देखो यहाँ 100 करने का और यहाँ 100 करने का, द बेसिक, ठीक है. अब अंडर वैल्यू बाय 5% बोल रहा है तो आप माइनस अंडर वैल्यू बाय 5% बोल रहा है. सेकेंड स्टेप्स, 38,000 आप सेम एज इट इज रखने का, मल्टीप्लाई बाय 100 रखने का, 95, ठीक है. अंडर वैल्यू बाय 5%, अंडर वैल्यू बाय 5%. तो आप देखो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन ऑफ वेरी वैल्यू. तो कैसा होता है अगर हम 5 को लेंगे, 5 कॉमन, 5 2s आर 20 होता है और ये 0 में अटैच कर दिए, करेक्ट और नॉट. तो 5 1s आर 5 हो गया, बचा 4 इसमें, 45. तो हमारा जो नया टेबल बनेगा 38,020 और 90, क्लियर है? यस और नो, अंडरस्टूड? सी वन मोर टाइम, दिस इज अ 100, राइट, एंड दिस इज अ 95. आप 100 लेंगे और 95 लेंगे, डिवाइड बाय 5 करो. तो अगर आप 100 को डिवाइड बाय 5 करेंगे 20 आएगा, कितना आएगा, 5 1s 5 2s 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, सही है. और यह 95 को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 95 डिवाइड बाय 5, तो 5 1s 4 यहाँ पे आएगा, 5 9s 45, तो ये आपका 95, राइट. तो 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको और इसको, यहाँ पर 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 90, राइट है ना. 19 के टेबल में अगर हम देखेंगे, 19 1 19 2 38 19 1 19 2, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 0 0 0 0 4 0, 40,000 रुपीस आपका आंसर, 40,000 आपका. अंडर वैल्यूएशन बाय 5% लूज टूल्स मतलब 40,000. अब हमारी बैलेंस शीट में एंट्री कैसे होती है, तो बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन, है ना बेटा. तो एसेट्स में आएगा लूज टूल्स, क्या आएगा, और ये जो कॉलम है हमारा लूज टूल में लिखा 38,000, है ना. तो आप 40,000 रुपीज ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे तो हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, 2000 बढ़ रहा है. तो एंड लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन से बढ़ता है 2000 एंड ऐसे. पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, 40,000 हमारा आया तो 40,000 ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे, 38,000 इनर में लिखेंगे, तो डिफरेंस आएगा, तो क्लियर है. अब हमारा ओवर वैल्यूएशन बिल्डिंग का दिया, क्या दिया है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट और नॉट, यस और नॉट. What I did first, 38,000 multiplied by 100, under valuation by 5 means क्या हो गया, 95 हो ये, 95 को 100 को मैंने 5 से divide किया यहाँ पर, तो 19 और 20 आ रहा है बेटा, yes or no? तो ये 19 आया और ये 20 आया, और उसके बाद मैंने calculation किया, 19 1s 19, 19 2s 32, 38 आ रहा ना, 19 1s 19, 38, तो 2 2s 4 0 4, 40,000 क्वार्टर में लिया, 38,000 यहाँ पर. बिल्डिंग का जो अमाउंट है बेटा ऑनलाइन 38,000, कितना है, आप इधर फोकस करो, आप
1,30,000. Overvaluation by 15% hai. Overvaluation by 15% in the books. ठीक है? तो multiplied by 100, divided by 100, same. यहाँ undervalue बोला था, यहाँ overvalue बोला है, तो overvalue by 15%. करेक्ट है? यहाँ माइनस में आएगा बेटा या प्लस में आएगा? अब दूसरा स्टेप से 1,38,000 multiplied by 100 divided by 115. सही है? Similarly ऐसे ही करेंगे 100 और 115, 115 divided by 5 divided by 5. Alright? तो 100 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा? कितना आएगा? 20 आएगा? कैसा नो? कैसा? 100 और 5, 5 1 जा, 5 2 जा, 20. अब 115 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा, बचा 1, 5 3 जा, 15, 23. Alright? Is it not? फिर 23 का टेबल करेंगे हम, 23 into 6. Do you do? 6. So 6 3 जा, 18, 6 2 जा, 12, 12 plus 1, 13. 38, 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 सही है? आप बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बन गई बेटा? तो यहां पर हम लिखेंगे बुक वैल्यू जो है बिल्डिंग की, बिल्डिंग की लिखेंगे 1,30,000. कितना लिखेंगे हम लोग? 1,00,000. सही है? अब 1,20,000 बता रहा है तो हमारा रिडक्शन कितना हो रहा बताओ? लेस जो है ना डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 18,000 हो रहा है. 1,38,000 है तो अमाउंट घट रहा है ना. कितने से घट रहा है भाई? 18,000 से घटेगा तो 1,20,000 आए. सही है? यहां पर एप्रिसिएशन हो रहा है और वहां पर डेप्रिसिएशन हो रहा है. वहां पर तो इसे पता चला ओवर वैल्यूएशन से अमाउंट घटेगा और अंडर वैल्यूएशन से अमाउंट इंक्रीज हो. ये आपका आपका जो है ये अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यूएशन है. ठीक है? और ये ओवर वैल्यूएशन क्या है? ये अब देखो बोर्ड पे देखो अच्छी तरह से कैलकुलेशन सब दिख नजर आ रहा है. वंस अगेन आई रिवाइज इट दिस अंडर वैल्यूएशन बाय 5%. तो 100 को हमने 5 से माइनस किया तो 95. 100 और 95 को हमने कैलकुलेशन यहां पे किया. 100 का 5 20 आ रहा है, 100 का 20 आ रहा है और 95 का 19 आ रहा है. 19 वंस आ, 19 टू आ, 2 को हमने इसे मल्टीप्लाई किया 40,000. तो 40,000 हमने बाहर लिया है, 30,000 लिया, तो 2,000 इंक्रीज हुआ. फिर यहां पर हमने 1,38,000 में 100 15 बड़ा, यस और नॉट? 15 बड़ा है तो हमने यहां पे डिवाइड कर दिया है इसको, तो 100 से लेकर 20 आया, यस और नॉट? 15 से लेकर 23 आया, 23 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर 130 आया, 23 1 6 1,20,000 आया, तो 1,20,000 हमने बाहर लिया, 130 दोनों का डिफरेंस आया 18,000. Have you understood this? Yes, clearly? This is the adjustment of question number 4 in the reliability series, page number 80. In the previous video, we have seen about the calculation of sacrifice ratio. Yes or not? These are the things the student must understand first and solve the problems. Solve the problems. Otherwise, it is very difficult for the student to solve the problems. Okay? Thank you so much.